अयोध्या विवाद में सुनवाई लगातार जारी है और सीजेआई के मुताबिक 17 अक्टूबर सुनवाई की डेडलाइन है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के पास एक महज 72 घंटे बचे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अब सिर्फ 72 घंटे बचे हैं जब सर्वोच्च अदालत राम मंदिर बाबरी मस्जिद पक्षकार की आखिरी दलील सुनेगा। क्या होगा, फैसला किसके हक में जाएगा, दोनों पक्ष अपने दावों पर टिके। डेडलाइन दी गई है 17 अक्टूबर के लिए, मुस्लिम पक्ष का आज कंक्लूजन के लिए डेट है, उसके बाद अपना हिंदू पक्ष अपना देगा, उसके बाद जजमेंट के लिए मुकर्रर हो जाएगी डेट। उधर फैसले की तारीख करीब आने के साथ ही वीएचपी ने विवादित जगह पर दीपोत्सव मनाने की मांग की तो मुस्लिम पक्ष नमाज पढ़ने की बात कहने लगा। ये इनिशिएटिव कि वहाँ पे दीपोत्सव हो, ये इनिशिएटिव अयोध्या के संतों का था। जब सारा विश्व जगमगा रहा हो तो रामलला के पास भी दीपोत्सव हो। मैं समझता हूँ कि संतों की इस इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए और संभव हुआ तो कुछ पक्षकार इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेने का प्रयत्न करेंगे तो अच्छा होगा। हम लोग भी सोचेंगे, कुछ और भी हम भी सोचेंगे कि मैं उनसे मांगेंगे, तुमने दीप जलाने दिया तो मुझे नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए तो मैं भी कहूँगा उनसे, इसमें क्या रहा है। फैसले के आखिरी चरण के चलते अयोध्या में धारा 144 लगा दी गई। प्रशासन किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार हो रहा है। उधर तारीख करीब आने के साथ ही बीजेपी से राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने मंदिर की पूरी उम्मीद भी जताई। एक बात सुनिश्चित है, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनेगा, इस बात की अनुभूति मुस्लिम समाज के भी एक बड़े वर्ग को हो रहा है। वो अलग अलग कारणों से मंदिर के समर्थन में जमीन देने की बात कह रहे हैं। सुप्रीम फैसले से पहले ही बीजेपी उम्मीद जता रही तो कांग्रेस अयोध्या केस में पूरी तरह बैकफुट पर नजर आ रही और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले पर कुछ भी बोलने से बचती हुई नजर आई। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला आएगा न सिर्फ ये अयोध्या में बल्कि पूरे मुल्क में शांति बनी रहेगी। इस देश के लोग कानून की इज्जत करते हैं। बहरहाल कोर्ट के फैसले में अभी भी वक्त है, दोनों पक्ष अपनी अपनी मांगों पर अड़े हैं और अयोध्या को एक अभेद्य दुर्ग में बदला जा रहा है। 17 अक्टूबर को क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उससे पहले देश के सबसे बड़े कोर्ट केस ने सभी का ध्यान एक बार फिर एक ही शहर अयोध्या की तरफ केंद्रित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV।